अब मैं सूर्य नमस्कार के लिए छात्रों को आमंत्रित कर रहा हूं और आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ डॉक्टर भूदेव, मैं उनको मंच हस्तांतरित करने जा रहा हूं कि वो सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन कराए। सभी बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं, हाथ समय स्थिति। सभी बच्चे सबसे पहले हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। ये बच्चे आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग और शिक्षा विभाग के सहयोग से एक सूर्य नमस्कार की सामूहिक प्रस्तुति का प्रदर्शन करेंगे। योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। योग अभ्यास के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि अपने ज्ञान, विवेक, शक्ति को बढ़ाया। योग कहता है कि अपने मुख मंडल पर सौम्यता का भाव और प्रसन्नता रखते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। वही शिक्षा अच्छी है जिसमें ये जीवन सार्थक बने, चरित्र का निर्माण हो, स्थिति और ये शरीर शक्ति वाला होने। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसनों का समावेश है। उन आसनों के अभ्यास से, नमस्कार के अभ्यास से, श्वासों के साथ करते रहने से, मंत्रों के साथ करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर के सभी तंत्र सही से कार्य करते हैं, जिससे शरीर और मन का संतुलित विकास होता है। सूर्य नमस्कार से हाथों में शरीर में ताकत आती है, जिससे आत्मरक्षा का भाव भी आता है। संस्थिति बहुत सुंदर। ये बच्चे इस्लामपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय स्कूल के बच्चे हैं और नित प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। हरियाणा में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान चलाया जा रहा है, जो हर स्कूलों में, हर संस्थान सूर्य नमस्कार बच्चों को और अनेक जगहों पर सूर्य नमस्कार सिखाया जा रहा है। हरियाणा में बहुत सारी व्यायामशालाएं भी खोली जा चुकी हैं, जहां पर योग सहायकों की नियुक्ति हो चुकी है, की जा रही है। वहाँ पर भी गाँवों गाँवों में योग सिखाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्राप्त होता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिरायु स्वस्थ आयु का विचार चरितार्थ होता है। यह योग अभ्यास हमारे जीवन में उत्साह लाता है, साहस लाता है। इसलिए जो योग अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, उनके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, अलग उत्साह होता है, अलग शक्ति का संचार होता है, क्योंकि वो कम खाना खाते हुए भी पूरे दिन भर ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं।